हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप ऑल द एनडीए एस्पिरेंट्स एज वेल एज द सीडीएस एस्पिरेंट्स दे ऑल हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है एंड मुझे पता है पिछले 3-4 महीने से आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। नाउ इट इज़ द टाइम टू परफॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए एज वेल एज the serious exams who are going to appear on 14th of November 2021, a very best for your bright future. Now, coming to the point, the basic purpose of interacting with you all today is just to tell you regarding the few small things that you have to keep in mind before you give the exam. Now, you all have done enough preparation and you'll have to believe on your preparation. So now it is time to relax and get your mind a proper consolidation so that you can focus on your tomorrow's paper. अब मैं आपको बताऊंगा कि अब कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट थिंग इज रात को आज टाइम से सो जाना है, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव अ साउंड स्लीप टू नाइट then that will affect your performance in the exam tomorrow. The first thing you must do is that raat ko time pe khana khaye aur time pe so jaye so that ki subah jab aap uthe to aap completely relaxed ho aur aapki neend puri ho. Dusra, ye bahut zaruri hai ki examination hall time pe pahunche. So start early so that you reach the examination hall on time and you are relaxed. आप भागते हुए अगर एग्जामिनेशन हॉल पहुंचेंगे और भागते हुए अगर आप क्लासरूम में पहुंचेंगे तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा। एग्जामिनेशन हॉल टाइम में पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद आप जब अपने सीट्स पे सेट डाउन हो जाते हैं देन डोंट थिंक अबाउट द अदर थिंग्स, डोंट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन अबाउट द रिजल्ट। जस्ट टॉक टू योरसेल्फ एंड बिलीव ऑन व्हाट यू हैव डन फॉर सो मेनी मंथ्स। Now, once you get your OMR sheets को बहुत ध्यान से भरना है। बहुत सारे बच्चे OMR sheets में गलतियाँ कर देते हैं, तो please make sure that you fill up your OMR sheets properly. You fill up all the credentials, all the details correctly, and you don't have to panic for that. And now, once you start with your paper part, सो पहला पेपर आपका मैथ्स का होगा एनडीए स्टूडेंट्स का। सो प्लीज़ डू रिमेंबर एनडीए स्टूडेंट्स दैट जब आप मैथ्स का पेपर स्टार्ट करोगे तो इनिशियली देर विल बी एन एग्जाइटी ऑफ कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, पेपर कितने क्वेश्चंस मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ें बहुत दिमाग में आती हैं बच्चों के। तो उसका एक तरीका है अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म करने का कि पहले आप 6-7-8 सिंपल क्वेश्चंस जो आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो आप उन क्वेश्चंस पे आप करो। डोंट गो इन अ सीक्वेंस, कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस में जाना। बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस इन द स्टार्टिंग मे बी डिफिकल्ट, सो फर्स्ट गो फॉर अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस। द मोमेंट यू आर एबल टू डू दो 7-10 क्वेश्चंस तो तब तक क्या होगा, आप रिलैक्स हो चुके होगे और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब आपके 8-10 क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस कॉन्फिडेंस और मोमेंटम के साथ जो होता है ना बाकी पेपर करते चले जाओ। एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं और OMR शीट्स कहते हैं लास्ट में भरूंगा। प्लीज़ ये वाली गलती मत करो। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ही OMR शीट पे उसको मार्क करते जाओ करेक्ट आंसर्स को, बिकॉज जब आप लास्ट में करते चले जाते हो तो आपके पास जब टाइम का प्रेशर आ जाता है और आपको एग्जाम जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि टाइम इज गेटिंग ओवर डू इट क्विकली, तो अब लास्ट मोमेंट पे आप जब सर्कल करना शुरू करते हो तो मे बी दैट उस समय आप गलतियां कर जाओ, कई बार सीरीज बिगड़ जाता है। आपने क्वेश्चन 20 की जगह 21 में मार्क कर दिया, 21 की जगह 22 में मार्क कर दिया और उसमें क्या होगा पूरा सीक्वेंस बिगड़ता चला जाएगा और इस तरीके से आपके कई क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं और फिर आपके पास रेक्टिफाई करने का तरीका नहीं होता, बिकॉज एक बार आपने OMR में मार्क कर दिया तो फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। सो ये
छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपने तो। जीएस के पेपर में टाइम विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल। जीएस के पेपर में मेक श्योर, इंग्लिश का पेपर जो होता है, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन, यू हैव टू रीड द सेंटेंसेज ट्वाइस और थ्राइस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर्स। सो जस्ट फोकस ऑन दैट पार्ट, आराम से इंग्लिश रिलैक्स करना है। फिर जीएस के पोर्शन में यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आइदर यू नो द आंसर्स और यू डोंट नो द आंसर्स, उसमें सॉल्व करने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। सो कीप अ फ्यू ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड। एंड फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स ए मेड इन चांस फॉर द गर्ल्स। सो गर्ल्स, आई विल से ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। डोंट बॉदर दैट यू गॉट लेस टाइम बिकॉज every girl got the same amount of time. So whatever may be the result, don't bother about the result before you give complete your whole paper tomorrow evening, and then evaluate your performance in the evening. ज़्यादातर बच्चे paper करके आने के बाद अपनी answer keys को check नहीं करते हैं, अपने answers को correct answers को accuracy को, वो answer keys जो available होती हैं उसे check नहीं करते। सो प्लीज़ चेक करो सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आप कितना स्कोर कर रहे हो और अकॉर्डिंगली आप अपने आगे की स्ट्रैटेजी बना सके। इफ़ यू आर स्कोरिंग एनीथिंग मोर देन 400, 420, देन श्योर यू आर क्वाइट श्योर दैट यू विल बी क्लियरिंग योर रिटर्न एग्जाम। सो रादर देन वेटिंग फॉर द रिटर्न रिजल्ट, अपने SSB प्रिपरेशन पे आप अभी से लग जाओ। स्टार्ट ग्रूमिंग, वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी पार्ट, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड सो दैट यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर SSB। सो इन द एंड आई वुड जस्ट से do your best and make sure that your efforts of last 4 months gives you a fruitful result. Jai Hind.